सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी, आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइस जिसका था बेसब्री से इंतजार कि डबल ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, सो गाइस आपका इंतजार खत्म हुआ। आज फाइनली डबल ए ट्रिपल सी यानी कि ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग फॉर BAMS, BHMS, BOMS एंड BSMS कोर्सेज का जो शेड्यूल है वो फाइनली डबल ए ट्रिपल सी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट शेड्यूल बताने वाला हूँ कि कब से कब तक आपको फर्स्ट राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, कब से आपको चॉइस फिलिंग करना है और कब फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा। वैसे हम सेकंड, थर्ड और फाइनल राउंड का देखेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट शेड्यूल बताने वाला हूं। तो चलिए टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए हम हमारे टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। चलिए अगर हम फर्स्ट राउंड की बात करते हैं तो फर्स्ट राउंड का जो सीट मैट्रिक्स है वो वेबसाइट पर कब अपलोड कर दिया जाएगा, तो 28 अगस्त तक अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है फर्स्ट राउंड के लिए कब से कब तक, 28 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक, ठीक है। और फर्स्ट राउंड के लिए आप जो भी रजिस्ट्रेशन फी लगता है यानी कि जो पेमेंट फैसिलिटी जो है वो कब तक अवेलेबल रहेगी, वो 2 सितंबर के शाम के 5 बजे तक अवेलेबल रहेगी। उसके बाद आपको फर्स्ट राउंड के लिए चॉइस फिलिंग करना है जिसका समय दिया गया है 29 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक, ठीक है। उसके बाद सीट अलॉटमेंट का प्रोसेसिंग रहेगा 3 से 4 सितंबर तक और फाइनल रिजल्ट जो है वो 5 सितंबर को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है तो वहाँ पर आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग करना है जिसका समय दिया गया है 6 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक, ठीक है। उसके बाद जो भी कैंडिडेट्स एडमिशन ले लेंगे उनका क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा किसके द्वारा, NCISM और NCH के द्वारा, जिसका समय दिया गया है 12 से 13 सितंबर तक, ठीक। फिर हम बात करते हैं सेकंड राउंड के शेड्यूल की, तो सेकंड राउंड का जो सीट मैट्रिक्स है, फाइनल सीट मैट्रिक्स जो है वो 18 सितंबर को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर से रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा सेकंड राउंड के लिए, तो जो कैंडिडेट फर्स्ट राउंड में नहीं कर पाएंगे किसी कारण के वश तो आप क्या कर सकते हैं, सेकंड राउंड में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसका समय दिया गया है 18 सितंबर से 23 सितंबर तक, ठीक है। उसके बाद चॉइस फिलिंग की बात करें सेकंड राउंड के लिए तो 19 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक चॉइस फिलिंग रहेगी। उसके बाद सीट अलॉटमेंट जो है उसका प्रोसेसिंग रहेगा सेकंड राउंड का 24 सितंबर से 25 सितंबर तक, फाइनल रिजल्ट जो है वो 26 सितंबर को अपलोड कर दिया जाएगा। उसके बाद रिपोर्टिंग की बात करें 27 से 3 अक्टूबर तक आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग करना है जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है अगर आपको एडमिशन लेना है तो, ठीक है। और उसके बाद जो भी कैंडिडेट्स एडमिशन ले लेंगे उनका वेरिफिकेशन होगा 4 से 5 अक्टूबर, इन दो दिन के बीच में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड राउंड का सीट मैट्रिक्स वेबसाइट पर 7 अक्टूबर से 8 अक्टूबर यानी कि इन दो दिन के बीच में क्या हो जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर से थर्ड राउंड में रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा, इसका समय दिया गया है 9 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करना है थर्ड राउंड की 10 अक्टूबर 14 से लगाकर 14 अक्टूबर तक, ये समय दिया गया है। उसके बाद आपको जो भी प्रोसेसिंग होगा सीट अलॉटमेंट का प्रोसेसिंग रहेगा जिसका समय दिया गया है 15 से 16 अक्टूबर तक और फाइनल रिजल्ट जो है वो थर्ड राउंड का 17 अक्टूबर को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। फिर आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पर आपको अगर एडमिशन लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिजिकल वहाँ पर रिपोर्टिंग करना पड़ेगी। और उसके बाद जो भी कैंडिडेट्स क्या कर लेंगे, एडमिशन ले लेंगे, उनका क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा 23 से 24 अगस्त के बीच में। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड का, ठीक है। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड की अगर हम बात करें तो इसकी जो सीट मैट्रिक्स है वो 25 अक्टूबर को अपलोड कर दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन फिर यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो 28 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक इसका समय दिया गया है। चॉइस फिलिंग की बात करें 29 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक आप इस तरह वैकेंसी राउंड के लिए क्या कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। उसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 1 नवंबर को जाएगा और फाइनल रिजल्ट जो है वो 2 नवंबर को अपलोड कर दिया जाएगा। उसके बाद रिपोर्टिंग, आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पर आपको रिपोर्टिंग करना है 3 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक, ठीक है। उसके बाद जो भी कैंडिडेट्स एडमिशन ले लेंगे उनका क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा 8 नवंबर से 9 नवंबर के बीच में। उसके बाद हम एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड सेकंड राउंड जो है, एक तो क्या हुआ फर्स्ट एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड, उसके बाद क्या होगा अगला एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड सेकंड होगा। तो उसके लिए यहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन, नो रजिस्ट्रेशन, नो चॉइस फिलिंग, द चॉइस सबमिटेड, हाँ। तो यहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन नहीं होगा और यहाँ पर आपको दोबारा से चॉइस फिलिंग करने का मौका नहीं दिया जाएगा। आप जो एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड जो फर्स्ट वाला होगा वहाँ पर जो चॉइस फिलिंग करेंगे वही चॉइस फिलिंग आपके सेकंड एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में भी मान ली जाएगी, ठीक है। और प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 11 नवंबर को
पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट 12 नवंबर को आ जाएगा और रिपोर्टिंग आपको करना है 13 से 18 नवंबर तक अगर आपको कॉलेज प्रोडक्ट होता है तो, और वेरिफिकेशन होगा कब, 19 से 20 नवंबर के बीच में। उसके बाद एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड जो अब फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटीज, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया है, आफ्टर थर्ड राउंड वैकेंसी ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटीज एंड लिस्ट ऑफ एलिजिबल रजिस्टर्ड कैंडिडेट विल बी फॉरवर्डेड टू डीम्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो थर्ड राउंड के बाद जितनी भी सीट खाली हो जाएगी, खाली रह जाती है डीम्ड यूनिवर्सिटीज की, तो वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज को फॉरवर्ड कर दी जाएगी फॉर कंडक्टिंग ऑनलाइन देखो आप यहाँ पर ऑनलाइन एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड थ्रू EEEE के पोर्टल पर, ठीक है। तो जितनी भी सीट वैकेंट रह जाती है आफ्टर थर्ड राउंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज की, तो वो जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज है उनको फॉरवर्ड कर दी जाएगी ताकि वो अलग से क्या करें, एक EEEE के पोर्टल पर एक ऑनलाइन स्टेट वैकेंसी राउंड कंडक्ट करें, ठीक है। एलिजिबल कैंडिडेट्स हु हैव नॉट रजिस्टर्ड टिल थर्ड राउंड एंड विश टू पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड डीम्ड यूनिवर्सिटी कैन आल्सो रजिस्टर ड्यूरिंग हम, और जो स्टूडेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड के लिए और जिन्होंने अभी तक थर्ड राउंड में रजिस्टर नहीं किया होगा, तो वो भी क्या कर सकते हैं, फर्स्ट एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड जो होगा जहाँ पर रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुलेगा तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इस राउंड के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखें यहाँ पर शेड्यूल फॉर काउंसलिंग एंड रिपोर्टिंग की बात करें तो 12 नवंबर से लेकर 19 नवंबर यहाँ पर 8 दिन का समय दिया गया है, तो काउंसलिंग होगी इस दौरान और यहाँ पर रिपोर्टिंग भी इसी दौरान आपको करना है। उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ जॉइंट, जो भी कैंडिडेट्स क्या कर लेंगे, एडमिशन ले लेंगे, तो उनका वेरिफिकेशन हो जाएगा 20 नवंबर को, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो पूरी काउंसलिंग EEEE की वो 20 नवंबर को एंड हो जाएगी, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको पूरा डिटेल में शेड्यूल बताया कि कब से कब तक आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो ये थी वीडियो और इसी तरह की EEEE के रिगार्डिंग वीडियो आती रहेगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में अगर आप मेरे से पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आपको नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, तो आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या तो आप मेरा ऐप आयुर्वेदा विंग्स ऐप उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पर आपको आयुष काउंसलिंग गाइड करके कोर्स मिलेगा, आप उस कोर्स में रजिस्टर करके पर्सनली काउंसलिंग गाइडेंस भी आप हमसे ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।